इस वीडियो में आपको बताना है इनमें से कौन सी टीम जीतने वाली है, क्या आरसीबी जीतेगी, क्या राजस्थान रॉयल्स जीतेगी। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, जो भी पहले 10 लोग सही करेक्ट आंसर देंगे वो जीत जाएंगे 100 रुपए पेटीएम कैश। ध्यान से सुन लीजिए, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी कि आरसीबी इस मैच को जीतेगी या फिर राजस्थान रॉयल्स आरआर इस मैच को जीतेगी, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बिना एडिट किए हुए एक बार कमेंट करिएगा, बार बार कमेंट मत करिएगा। जो पहले 10 करेक्ट आंसर होंगे उनको मिलेगा 100 रुपए का पेटीएम कैश। बता दूं मैक्सवेल के इस मैच में खेलने के अच्छे खासे चांसेस है, एज पर न्यूज ये इस मैच में खेल सकते हैं, हाई चांस इनका, ठीक है। तो अश्विन के खिलाफ ये बहुत अच्छा खेलते हैं। चहल देखिए, दिनेश कार्तिक की 3 बार विकेट ले चुके हैं, ये आप यहां से हिस्ट्री देख सकते हैं। और इसके अलावा चहल मैक्सवेल की भी 3 बार विकेट ले चुके हैं, तो यहां पे युजवेंद्र चहल काफी डेडली साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सवेल के सामने काफी बढ़िया बॉलिंग कर लेते हैं, रिजल्ट देते हैं, और कार्तिक के सामने भी अच्छी बॉलिंग करते हैं युजवेंद्र चहल। इसके अलावा चहल लोमरार के सामने भी काफी बढ़िया बॉलिंग करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपके लिए ग्रैंड लीग वाला अगर कोई प्लेयर होगा इस मैच में तो वो युजवेंद्र चहल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका स्टैट काफी ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। ये दोनों ही प्लेयर्स कार्तिक को भी परेशान कर रहे हैं, मैक्सवेल को भी परेशान कर रहे हैं, और लोमरार इनकी टीम के हिटर है जो अभी तक यूज नहीं करे टीम ने, इनके खिलाफ भी चहल अच्छे ही करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा डुप्लेसी के खिलाफ भी देखिए रन काफी रोके चहल ने, एक ही बार हालांकि विकेट निकाला हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। फ्री में क्या मिलता है? एक्चुअली बहुत कुछ। फैन टू प्ले पर खेलो पहले 4 गेम्स बिल्कुल फ्री, बस फैन टू प्ले ऐप डाउनलोड करो और खेलो IPL 2022 सिर्फ फैन टू प्ले पर। तो गाइस बात करते हैं इस मैच की, काफी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में। ये मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में होगा। इस सीजन देखे तो मुंबई में उतने रन्स बने नहीं, बाकी वेन्यूज पर ज्यादा बन रहे। यहाँ पे एक बैलेंस विकेट मान के आपको टीम बनानी चाहिए। वैसे यहाँ पे एवरेज स्कोरिंग 177 की मानी जाती है, बट पिछले कुछ मैचेस में थोड़ा सा कम स्कोर यहाँ पे हो रहा है। अगर हम बात करें फैंटेसी टिप्स की, तो देखिए दोनों टीमों ने दो दो मैचेस खेले हैं, कौन से वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा दिया वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम एक ओवरव्यू देखें तो यहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ प्लेयर्स अच्छे हैं, जैसे कि फाफ डुप्लेसी 73.5 पॉइंट्स प्रति मैच देकर 100% ड्रीम टीम में रहे, विराट कोहली 41 पॉइंट्स प्रति मैच देकर 100% ड्रीम टीम में रहे, पडिकल सिर्फ एक बार ड्रीम टीम में आ पाए, हेतमेर दोनों बार ड्रीम टीम में रहे 64 पॉइंट्स प्रति मैच देकर। इसके बाद अगर हम बात करें ऑलराउंडर्स की, तो यहां पे एस अहमद ने 33 पॉइंट्स प्रति मैच दिए, हसरंगा ने 78 पॉइंट्स प्रति मैच दिए, दोनों 50-50% ड्रीम टीम का हिस्सा रहे हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं यहां पे बॉलिंग सेक्शन और विकेट कीपिंग सेक्शन, दोनों सेक्शन अगर हम देखें तो यहां पे हर्षल पटेल 62 पॉइंट्स प्रति मैच, इसके अलावा सिराज 43 पॉइंट्स प्रति मैच, चहल के 79 और बोल्ट के 54 पॉइंट्स प्रति मैच है। चहल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है दोनों ही मैचेस में। अगर हम बात करें विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में, तो बटलर ने 105 पॉइंट प्रति मैच दिए, जिसमें पिछले मैच में 100 लगाया था, जिससे इनके रन काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इसके बाद संजू सैमसन ने भी 76.5 पॉइंट्स प्रति मैच की परफॉर्मेंस दी है। एक मैच में बटलर नहीं उतने चले थे, बट दूसरे मैच में सैमसन दोनों मैचेस में चले, बटलर लास्ट मैच में बहुत अच्छा करके गए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टैट की, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, प्लेयर बैटल। हमेशा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आरसी के बैट्समैन और रॉयल्स के बॉलर्स की बात करेंगे। तो आरसीबी के वो कौन से बैट्समैन है जो राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स के सामने फंसते हैं, तो यहां पे सबसे पहला नाम आता है बोल्ट वर्सेस फाफ डुप्लेसी। देखिए 3 बार विकेट निकाला है ट्रेंट बोल्ट ने, 43 बॉलों में 37 रन दिए हैं डुप्लेसी को, डुप्लेसी के रन भी रोके और विकेट भी निकाली हुई है। इसके बाद आप देख सकते हैं विराट कोहली ने आर अश्विन की काफी पिटाई करी, सिर्फ 1 बार विकेट ले पाए, कार्तिक ने भी आर अश्विन की काफी पिटाई करी है, अश्विन की तो देखिए मैक्सवेल ने भी पिटाई करी है। अच्छा मैं आपको बता दूं मैक्सवेल के इस मैच में खेलने के अच्छे खासे चांसेस हैं, एज पर न्यूज ये इस मैच में खेल सकते हैं, हाई चांस इनका, ठीक है। तो अश्विन के खिलाफ ये बहुत अच्छा खेलते हैं। चहल देखिए, दिनेश कार्तिक की 3 बार विकेट ले चुके हैं, ये आप यहां से हिस्ट्री देख सकते हैं, और इसके अलावा चहल मैक्सवेल की भी 3 बार विकेट ले चुके हैं, तो यहां पे युजवेंद्र चहल काफी डेडली साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सवेल के सामने काफी बढ़िया बॉलिंग कर लेते हैं, रिजल्ट्स देते हैं, और कार्तिक के सामने भी अच्छी बॉलिंग करते हैं युजवेंद्र चहल। इसके अलावा चहल लोमरार के सामने भी काफी बढ़िया बॉलिंग करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपके लिए ग्रैंड लीग वाला अगर कोई प्लेयर होगा इस मैच में तो वो युजवेंद्र चहल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका स्टैट काफी ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। ये दोनों ही प्लेयर्स कार्तिक को भी परेशान कर रहे हैं, मैक्सवेल को भी परेशान कर रहे हैं, और लोमरार इनकी टीम के हिटर है जो अभी तक यूज नहीं करे टीम ने, इनके खिलाफ भी चहल अच्छे ही करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा डुप्लेसी के खिलाफ भी देखिए रन काफी रोके चहल ने, एक ही बार हालांकि विकेट निकाला हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट होंगे युजवेंद्र चहल। इसके बाद बात करते हैं अब राजस्थान के बैटर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बॉलर्स की। इसमें आपको कुछ स्टैट देखने को मिलेंगे, कौन से वो प्लेयर है जो किसकी सामने वाली टीम के खिलाफ अच्छा खेलते हो। देखिए सबसे पहले सिराज का सैमसन के खिलाफ काफी अच्छा रिकॉर्ड
रिकॉर्ड है। सिराज ने 15 गेंदों में मात्र 20 रन देकर 2 बार विकेट निकाली है संजू सैमसन की, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। हेतमेर का भी सिराज 1 बार विकेट ले चुके हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हरचल पटेल की काफी पिटाई करी है करुण नायर ने, और सिराज के सामने करुण नायर थोड़े से शांत रहे हैं। अगर हम बात करें ऊपर तो सिद्धार्थ कौल की, देखिए सैमसन ने काफी पिटाई करी है, हालांकि कौल ने 2 बार विकेट निकाली है, बट वो 60 गेंदों में निकाली है और लगभग डबल रन दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखें तो विली को बटलर ने काफी पिटाई करी है, और इसके अलावा कौल की करुण नायर ने काफी पिटाई करी। तो आरसी की बोलर्स की ज्यादा पिटाई हुई है, वहीं राजस्थान की बोलर्स के रिजल्ट थोड़े से बेटर रहे हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टीम हिस्ट्री की, तो देखिए टीम हिस्ट्री देखेंगे तो यहां पे राजस्थान रॉयल्स ने पूरे आईपीएल में जब से ये खेलना स्टार्ट किया 49% का विनिंग रेशो बना रखा है, और आरसीबी ने 48% का विनिंग रेशो बना रखा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं वेन्यू स्टैट्स की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों आपको बता दूंगा। इंटरनेशनल में आप यहां पे देख सकते हैं परफॉर्मेंस जो रही है, 7 मैचेस खेले गए, 5 बैटिंग सेकंड ने यहां पे जीते हैं, और स्कोरिंग 195 की एवरेज रहती है। 240 इंडिया का हाईएस्ट स्कोर यहां पे रजिस्टर्ड है, लोएस्ट श्रीलंका का। अगर आप देखें तो 190 के ऊपर मैक्सिमम टाइम इंटरनेशनल्स में जाते ही है वानखेड़े में। और अगर हम डोमेस्टिक लेवल की बात करें तो डोमेस्टिक में 167 का एवरेज स्कोर बनता है, 235 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का हाईएस्ट है, कोलकाता का 67 लोएस्ट है, और मैक्सिमम टाइम स्कोरिंग जो है 170 से 189 देखी गई है, जो मैक्सिमम टाइम हमने यहां पे देखा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वेन्यू पे हाईएस्ट स्कोर और हाईएस्ट चेजेस की, तो ये आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। इस वेन्यू पे 5 टॉप स्कोर जो बने और कब बने वो भी देख लीजिए, टॉप 5 चेजेस कब हुए और किस टीम के खिलाफ किसने करा, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको ध्यान से देख लीजिए, इससे भी आपको काफी आइडिया लगेगा कि कौन से ईयर में रन्स कितने बन रहे थे। 2022 में अभी भी कोई भी बड़ा मैच नहीं आया जो टॉप 5 हाईएस्ट स्कोर या हाईएस्ट चेजेस में आ सके। 2021 में काफी मैचेस आए थे, ये देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं आखिरी मैचेस जो इस वेन्यू पे खेले गए वो कौन से थे, कितना स्कोर हुआ था। 2022 में 3 मैचेस यहाँ पे खेले जा चुके हैं और तीनों में स्कोरिंग थोड़ी सी कम हुई है। लास्ट मैच में 137 पे पंजाब ऑल आउट हो गई थी, उसके पहले लखनऊ 158 बना पाई थी, और उसके पहले चेन्नई 131 बना पाई थी। टोटल देखें तो स्कोरिंग जो है 160 के आसपास घूम रही है, उससे ज्यादा स्कोर नहीं हो पा रहा है, तो उतना ही आप मान के चल सकते हैं। 2021 में हालांकि स्कोरिंग देखें तो 191 का स्कोर भी गया था चेन्नई का। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की, तो पॉइंट्स टेबल में आप रीसेंट टीमों की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, यानी कि जैसे कि आप देख रहे हैं राजस्थान ने दोनों मैच 2 मैच खेले दोनों जीते, और आरसीबी ने 2 मैच खेल के 1 मैच जीता है। राजस्थान रॉयल्स इस टाइम फर्स्ट पे है और आरसीबी 7th पे है। हेड टू हेड स्टैट देखिए, दोनों टीमों ने 22 मैचेस खेले, राजस्थान जो है वो 10 मैच जीती है और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 12 मैचेस जीती है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए देखिए दोनों टीमों ने लगभग बराबर मैचेस जीते, बट बैटिंग सेकंड करते हुए आरसीबी ने ज्यादा मैचेस जीते हैं। आखिरी 5 हेड टू हेड मुकाबलों में देखिए आरसीबी ने 4 मैचेस जीते और राजस्थान ने कोई मैच नहीं जीता, 1 नो रिजल्ट मैच रहा था। यानी आखिरी 5 हेड टू हेड मुकाबलों में राजस्थान रॉयल्स थोड़ी सी आप कह सकते हैं वीक साबित हुई है, हालांकि राजस्थान की प्लेइंग 11 इस बार काफी अच्छी है। अगर हम बात करें रीसेंट फॉर्म की, तो आखिरी 5-5 मुकाबले दोनों टीमों के आप देख सकते हैं, किन टीमों के खिलाफ कैसा परफॉर्मेंस करा वो सब भी यहां पे मेंशनड है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं लास्ट 5 हेड टू हेड मैचेस की, जिसमें आपको देखने को मिलेगा ये दोनों टीमें जब आपस में भिड़ती हैं तो कितना स्कोर करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे 170 के आसपास स्कोरिंग चली जाती है, और जिसमें से आखिरी के 5 में से 4 मैच तो आरसीबी ने जीती ली है, 1 मैच नो रिजल्ट रहा था। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की प्लेइंग 11 की, तो यहां पे ओपनिंग पेयर काफी मजबूत है इनका। ओपनिंग पेयर मजबूत बोले तो देखिए, अब मेरे हिसाब से इस मैच में जो है जयसवाल नहीं खेलेंगे, बटलर और पडिकल आई थिंक ओपन करेंगे, और यहाँ पे ये रसे वंदर दसिन को नंबर 4 पे ला सकते हैं। संजू सैमसन आपको नंबर 3 पे खेलते हुए दिखेंगे, लेफ्टी बैट्समैन है पडिकल, राइटी बैट्समैन है बटलर और संजू सैमसन, इसके अलावा राइटी बैट्समैन है रसे वंदर दसिन, तो पडिकल को मेरे हिसाब से ओपन करना चाहिए। रिसेंट फॉर्म बटलर का काफी ज्यादा अच्छा है, हेड टू हेड देखे तो वो उतना खास नहीं है, ठीक है। इसके अलावा पडिकल ने आरसीबी को कभी फेस नहीं करा, पहले आरसीबी से ही खेलते थे। रिसेंट फॉर्म हालांकि इनका देखे तो हर दूसरे मैच में एक बड़ी इनिंग इन्होंने के दी है। संजू सैमसन आखिरी 2 मैचेस में दोनों बार अच्छा करा है, बट हेड टू हेड इनका भी इतना खास नहीं है। रसे वंदर दसिन रीसेंट टाइम में टी20 में काफी अच्छा करके आए, इनकी टीम इनको 5 या 6 के आसपास बैटिंग देती है, अगर ये 4 नंबर पे इस टीम से आते हैं तो अच्छे पिक हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 5 बैट्समैन शिमरन हेतमेयर की, जिन्होंने दोनों ही मैचेस में जो खेले अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 35-32 लास्ट 2 मैचेस का परफॉर्मेंस, हेड टू हेड में भी 150 लगाया अपोजिशन टीम के खिलाफ, ये भी आप यहां से देख सकते हैं। फिर आते हैं रियान पराग, 24 का इनका बैटिंग एवरेज है, थोड़ी 1-2 ओवर बॉलिंग कर सकते
सकते हैं, बट इनसे भी मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं करता। आर अश्विन का रिकॉर्ड अपोजिशन टीम के खिलाफ इतना अच्छा नहीं है, देख सकते हैं लास्ट 3 मैच में 2 बार एक एक विकेट मिली हुई है और काफी पिटाई इनकी सामने वाली टीम के बल्लेबाजों ने कर रखी है। नवदीप सैनी, इनके ओवर्स कट जाते कभी कभी इनको, हालांकि 19वां या 20वां ओवर डेथ में मिल जाता है तो कभी कभी बेनिफिट भी हो जाता है उसका। लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले जिसमें से 1 विकेट जो था वो आखिरी डेथ ओवर इनको मिला था उसमें नहीं मिल गया था, ठीक है। तो ये तेज गेंदबाज है बट लाइन लेंथ इनकी उतनी अच्छी रहती नहीं है और आरसीबी में पहले खेलते थे, आरसीबी को कभी फेस नहीं करा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर्स की, कौन कौन से प्लेयर्स और अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेंट बोल्ट, चहल और प्रसिद्ध कृष्णा, जिसमें चहल का रिकॉर्ड बहुत औसम है और अपोजिशन टीम के प्लेयर्स को काफी परेशान करते हैं। देख सकते हैं पिछले 7-8 मुकाबलों में 1 भी मैच में चहल विकेटलेस नहीं गए और पिछले 6 मैच 5 मैच से आप देखें तो बोल्ट भी विकेटलेस नहीं गए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो आखिरी 3-4 मैच से ये भी विकेटलेस नहीं गए। हेड टू हेड स्टैट देखिए तो सबसे अच्छा हेड टू हेड स्टैट यहाँ पे चहल और बोल्ट का है। प्रसिद्ध कृष्णा को फर्स्ट बॉलिंग में आप ले सकते हैं, सेकंड बॉलिंग में ड्रॉप कर सकते हैं। ये इनकी कुछ बेंच स्ट्रेंथ है, आई थिंक जायसवाल आपको बेंच में देखेंगे इस बार। पिछले मैच में फील्डिंग भी अच्छी नहीं करी और 2 मैचेस से उतना अच्छा खेल भी नहीं रहे, ठीक है। और प्लेयर्स भी देख लीजिए जो बेंच में अवेलेबल है इस टीम से, करुण नायर एक काफी बढ़िया प्लेयर है इसमें, ओबे मकॉय बढ़िया बॉलर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी कि आरसीबी की टीम की। अब आरसीबी की टीम से देखिए फाफ डुप्लेसिस ओपन करेंगे अनुज रावत के साथ, मेरे हिसाब से कोई टीम चेंज करेगी नहीं। 31 का एवरेज है फाफ डुप्लेसिस का, 29 का है अनुज रावत का, 41 का विराट कोहली का है, बट इस टाइम पे सबसे बढ़िया फॉर्म में फाफ डुप्लेसिस दिख रहे हैं। कई 100 लगा रखे, देख सके 50-100 लगा रखे पिछले 6-7 मैचेस में। और वहीं विराट कोहली की बात करें तो पिछले 5-6 मैच में सिर्फ 1 बार अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है, 1 या 2 बार, ठीक है। हेड टू हेड हालांकि विराट कोहली का काफी ज्यादा अच्छा है, फाफ डुप्लेसिस से भी बेटर, अपोजिशन टीम के खिलाफ डुप्लेसिस से बेटर जो है वो विराट कोहली खेल रहे हैं, ये चीज हमें यहां से दिख गई। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल इस मैच में खेलने के चांसेस है तो 4 या 5 पे ये भी बैटिंग करते हुए आपको दिखेंगे। 28 का एवरेज कैरी करते हैं और अपोजिशन टीम के लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ कुछ ओवर बॉलिंग भी करेंगे। रीसेंट फॉर्म T20s में बहुत अच्छा कैरी कर रहे हैं और अगर बॉलिंग करेंगे तो विकेट टेकर बॉलर है, कभी कभी 4-4 ओवर भी पूरे कर देते हैं। तो कप्तानी वाइज कप्तानी की एक बहुत बढ़िया पिक आपके लिए ग्लेन मैक्सवेल हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेविड विली की, जिनको टीम ने पिछले मैच में प्रमोशन दी बैटिंग में और 2 से 3 ओवर ये कर लेते हैं। हालांकि इनके ओवर्स कट जाते हैं, पूरे ओवर इनको नहीं मिल रहे, बट फिर भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक होंगे। द 100 टूर्नामेंट में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था बैट बॉल दोनों से, तो इसको आप ले सकते हैं। फिर आते हैं शहबाज अहमद, इस टीम के ठीक ठाक स्पिनर बट पिछले 2 मैचेस से विकेटलेस है, कोई खास परफॉर्मेंस इनकी नहीं देखने को मिली। फिर आते हैं दिनेश कार्तिक और वनीदू हसनगा, दोनों का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 2 मैचेस में कार्तिक ने 1 मैच में परफॉर्मेंस अच्छा दिया है और वनीदू हसनगा ने देखिए बैटिंग में अच्छा कर रखा है और बॉलिंग में भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस इस टाइम पे दे रखा है, हालांकि आरआर को कभी फेस नहीं करा। ये भी आपके लिए डाउन द ऑर्डर से आरसीबी की तरफ से बहुत बढ़िया पिक होंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं हर्षल पटेल अवेलेबल है, अक्षदीप हैं और मोहम्मद सिराज हैं, जिसमें अगर हम बात करें ठीक ठाक बॉलिंग की तो हर्षल पटेल हमेशा आपको रिजल्ट्स देते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद आकाशदीप ने भी लास्ट मैच में काफी बढ़िया बॉलिंग कराई थी तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सिराज वैसे उतना अच्छा नहीं करते बट अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में तो 1-2 विकेट ले जाते, फर्स्ट बॉलिंग के केस में थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते क्योंकि टीम इनको डेथ में यूज कर ही लेती है। इसके बाद आप इनकी बेंच स्ट्रेंथ देख सकते हैं, शिरफिन रदरफोर्ड बेंच में है, महिपाल लोमरार है, सिद्धार्थ कौल है, करण शर्मा। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी प्लेयर्स भी आपके सामने हैं जो प्लेयर अवेलेबल है, अगर टीम इनको खिलाती है तो आप इनको स्टैट बेस पे ले सकते हैं। अच्छा, लोवनेस सिसोदिया जो है ये इंजर्ड हो चुके हैं और रूल्ड आउट हो चुके हैं आईपीएल से, इनकी जगह पे रजत पाटीदार को टीम लाई है, ठीक है। अब उनके स्टैट में आपको दूंगा अगर वो खेलते हैं तो, वैसे चांसेस है नहीं इस मैच में खेलने के। आगे चलते हैं, बात करते हैं डेथ ओवर्स की, तो देखिए आरआर की तरफ से यानी राजस्थान की तरफ से नवदीप सैनी, प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट, इनको डेथ में यूज किया जाएगा। वैसे मेन डेथ बोलर्स की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट पे मुझे ज्यादा भरोसा है और लास्ट 4 ओवर में पिछले मैच में कृष्णा को 2 ओवर मिले भी थे तो आप मान सकते हैं कि कृष्णा डेफिनेटली बॉलिंग कर सकते हैं डेथ ओवर्स में। बोल्ट और नवदीप सैनी का फिक्स नहीं होगा, ठीक है। हालांकि बोल्ट भी डेथ बॉलर ही है बट सैनी को कभी कभी 1-2 ओवर लास्ट का देना होता है तो बोल्ट के ओवर पहले करवा लेते हैं। फिर आते हैं हर्षल पटेल आरसीबी की तरफ से, प्रॉपर डेथ गेंदबाज, इनके साथ मोस्ट प्रोबेबली सिराज ही डेथ में गेंदबाजी करेंगे बट टीम चाहे तो अक्षदीप को भी ट्राई कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी टीम की, क्या हमारी टीम फॉर्म हो रही है इन स्टैट्स के बेसिस पे, तो ये मेरी टीम फॉर्म हो रही है। कैप्टन इसमें मैंने रखा है जॉस बटलर को, वाइस कैप्टन मैंने रखा है यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल को, जो कि इस मैच में खेलने के चांसेस रहेंगे। आप इन्हें कप्तान भी कर सकते हैं एज पर न्यूज, अगर ये खेलते हैं तो आप इनको कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। बटलर फॉर्म में है इसलिए इनको मैंने कैप्टनसी दी और वाइस कैप्टनसी मैंने मैक्सवेल को दी। अभी बैटिंग पोजीशन भी फिक्स नहीं है मैक्सवेल का, पता नहीं कहां पे टीम खिलाएगी, लाइनअप के टाइम हम देख लेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। अभी डुप्लेसी को टीम में लिया है, विराट कोहली को लिया है, वनीदू हसनगा को लिया है। बॉलिंग सेक्शन से डेविड विली, प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट, हर्षल पटेल और युजवेंद्र चहल को लिया।
किया है। यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में आप चाहें तो देवदत्त पडिक्कल को भी टीम में ले सकते हैं। लास्ट सीजन उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था टीम के लिए, बट ये सीजन अभी उतना कैपिटलाइज कर नहीं पाए। पहला मैच अच्छा था, दूसरा थोड़ा सा खराब किया। तो यहाँ से एक प्लेयर है देवदत्त पडिक्कल, जिसको आप चाहें तो अपनी टीम में ट्राई आउट कर सकते हैं विली की जगह पर अगर आप चाहते तो, ठीक है। बाकी टीम मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी देखिए मोहम्मद सिराज को अगर आपको लेना है तो अगर उनकी टीम की फर्स्ट बॉलिंग होती है तो प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर ट्राई कर सकते हैं। जो भी टीम की फर्स्ट बॉलिंग होगी, अगर मान लीजिए आरसीबी की फर्स्ट बॉलिंग होगी तो यहाँ पे आप मोहम्मद सिराज को ले लीजिएगा, और अगर यहाँ पे राजस्थान की फर्स्ट बॉलिंग होगी तो आप यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा को ले सकते हैं, वो आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये मेरी फैन टू प्ले की टीम है, इसमें कुछ अपने हिसाब से बदलाव कर लीजिएगा। इसके अलावा हमें टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 400 अपडेट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलने वाली है। इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और फैन टू प्ले एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिए रेफर कोड एफएक्स लगा के। जो लोग रेफर कोड एफएक्स लगा के साइन अप करेंगे उनको बोनस मिलेगा, फ्री एंट्रीज मिलेंगी, और इसके अलावा एफएक्स गिव अवेज तो फैन टू प्ले एप्लीकेशन पे आपको मिलते ही रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है जो सबसे ऊपर दी हुई है लिंक, उस पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते रहिए। जो आपसे सवाल पूछता हूँ वीडियो की शुरुआत में, हमेशा वीडियो को आप देखिए लाइक तो करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिले और आप विनर बन सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।